यार ख्याल करे है ना वहां सही। ओए होए होए ओ जालमा, मसला बन गया यार। तू क्या करे ना पे नहीं लैन गए तो मोटरसाइकिल मोड़ी संभली ची नहीं। ओए ये चेकिंग करता पे सारी यार, ख्याल ना चलाई करो। कसी चलाना भी यकीन करो आम बंदे का काम नहीं है, कमर च दर्द पै गई है, मत मारी गई है। जे कसी चलाने यार तुहाड़ी हिम्मत है, मैं तकरीबन 15 मिनट होए कसी चलाते हुए हैं। मेरे घर के सामने वेखदे पे इत्थे गंद बलूत है ना, तो इस वास्ते इत्थे सप वगैरह वधे हुंदे ने, तो ये गंद दे विच ना सप वगैरह लुक के बह रहे हैं। तो मैं निके निके बाल आने बाद तो डर लगता यार कि सप वगैरह ना लड़ पैन। इस वास्ते ना कोई तो कर लिया ही परसों, कुछ अज किया परसों की दर्द अजे कमरे चाहिए, अज बस शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक हसनैन, तुम वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मलिक हसनैन आवाज़ मिलो। टाइम होया तकरीबन 9 का, नाश्ता शाश्ता हूँ किया। घर के पिछा मैं नासी आँदी पी अपने आप से, घर के नाल मेरे ना इतने गंद बलूत मचिया पे, मतलब अजीब अजीब चीज़ा। अज मैं कई चाह ली तो कई तो चाह ली, लेकिन 15 मिनट कई चलाई मेरे फेफड़े हल गए कभी कई चलाई नहीं ना। इस वास्ते यार काम बंदा रोज़ करता रहे ना, वाते कोई टेंशन नहीं होती। कई शही आला है जरा खेती बाड़ी असी कभी की नहीं जिंदगी दे, कभी कई वगैरह चाह लीए ना तो बड़ा मसला बनता, यकीन करो। मसला यह बनता कि हाथ पैर सोनो पे बस पसीना शुरू, सह जरा सह च ही नहीं आता वापसी। मेरे को जितना होया मैं तो किया, लेकिन ए सैड तो रह गए जी सैड है ना, क्योंकि यार इलाका ही हो जाए तो सैड तो फसलों वगैरह ना इतने सप वगैरह बड़े बदे होंगे नाले, मेरा बाल वगैरह इतने होंगे ना, तो उन्होंने वास्ते बड़ा मसला बनता है, क्योंकि डर लगता यार कोई सप बच्चे ना लड़ बन जाए। तो इस वास्ते घर के नालों ना ये गर्म बलूत जोड़ा ना खत्म होना चाहिए। अच्छा जी अज है गर्मी तो बहुत है, लेकिन अज डखन चले हो ना तो बड़ा सुकून है, सूरज की तपश वगैरह पौंदी है, लेकिन ठंडी हवा पौंदी है, पसीना जड़ा ना वो सुक जाता है। अगर तुम वेख सको तो वो सामने ये सीधा रास्ता ही जड़ा ना सीधा सामने टूवल चलता पे, लेकिन मैं वेंदा नहीं पा नहा। वजह पता क्या है, ये वजह है कि अजे हूँ चलिया वो पानी वगैरह लाते पे फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये शहरदारी का माहौल है ना, ये सैड का सारा मुहल्ला है, हर सैड तो वेखते प्यो ये सारा वीरान है, मतलब हजे नवी कटिंग हुई है, तो मैं पहली वीडियो आख चुका। फिर थोड़ा जा चल वजे ना टूल शूल थोड़ा जा रश वगैरह कम हो वजे, तो नाले गर्मी मजीद हो वजे तो वत नसा वत मजा हो सी। तो पीने बई सवेरे दही ले आना, दही के नाल जरा ना दही वाली लस्सी बनती है, लस्सी जड़ी भी होवे भावें दही वाली होवे या भावें बने चाटी दे विच जिवें दातां दे विच बनती है, उन्हें पी के नींदर बड़ी आती है, यकीन करो बहुत ज़्यादा। अच्छा जी साढ़े ना यूट्यूबर के खाने हजम नहीं आते, मैं हूँ ट्रिक ये आजमाई है कि अगर सवेरे नाश्ता करो या फिर दोपहर का खाना या शाम का, कई रखो एक घर के बार मज के फजूल मिट्टी खोदन लग पवो कई दिन। खैर मैं फजूल तो नहीं खोदी, लेकिन मेरे घर के सामने गंद वगैरह ही वो साफ किया, लेकिन रोटी हजम करन दा बेहतरीन तरीका यह है कि कई चाह लवो शुरू हो जो मेहनत कर। एक गल तो यह है कि थोड़ा वजूद वगैरह जरा खुल वै सी, दूजी गल है कि थोड़ी जी आलस हो सी कई चलाने ना सारी आलस खत्म हो जाती, क्योंकि मेहनत करता ना बंदा पसीना वगैरह निकलता बिल्कुल फ्रैशमेंट हो जाती जी। टाइम हो गया 9:25, कल नहीं तो परसों मेरे मोबाइल का चार्जर सड़ गया, तो ये नवी लीड लिया है इसकी, तो ये है अच्छा चार्जर है, लेकिन यदा भरोसा कोई नहीं, 2.5-3 एम्पीयर का चार्जर है, लेकिन उन्हें दिता है मैंने कि उन्हें आख्या कि सही चल सी। मैं जड़ा ना कल 2 मोबाइल लगातार चालू की रखे इस साइड तो वेद पे, ये 2 मजीद जो डेटा केबल लगदियां उहदे नाल तुसीं ना मतलब कि 3 मोबाइल चार्ज कर सकते हो, 3 मोबाइल तो लग वैसे, लेकिन थोड़ी जी स्पीड जी है ना वो स्लो वैसी। कल मैं 2 मोबाइल चार्ज किए तो सही रहा, सवेरे 9 बजे तो लिया 12 बजे तक जो
85% ਜਣਨ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਚਾਰਜ ਹੋਏ। ਉਹ ਜੀ ਅੰਬ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖਦੇ ਪਿਓ ਟਿਊਬਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਸਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੈਸਟ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ੀਲੀ ਚੇਂਜ ਵਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਚੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੂਲਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਠੰਡਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਯਾਰ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਏਸੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਏਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਲ ਕੁਰੇਸ਼ ਦਾਵਤ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੀ ਅਮਸ਼ੀਰਾ ਦਾਵਤ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਈਦ 'ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਗੈਰਾ ਹਨ ਉਹ ਘਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਠੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 600-700 ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਏ ਸੀ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਵਧੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਧੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਲਾਗ ਸ਼ੁਰੂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਛੋਟਾ ਵਿਰਾਹ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਨੂੰ ਲੀਚਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਟੂਵਲ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਬਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਟੂਵਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਟੂਵਲ 'ਤੇ ਨਹਾ ਸ਼ਾ ਲਈਏ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੈ? ਜਵਾਰ। ਇਹ ਜਵਾਰ ਆ ਜੀ, ਜਵਾਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਵਾਰ, ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਵਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਨਾਨੂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ ਓਏ। ਯਾਦਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਡੱਖਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਡੱਖਣ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਡੱਖਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕੀ ਆਦਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਆਦਨ ਡੱਖਣ। ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਨੂ ਬੀਚ ਮੈਂ ਡੂਬ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੇਂਦ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਦਿਹਾਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਆ ਗਿਆ।
काफी सारी नहाने तो बाद हुण चले घर क्योंकि थक गया ना ना के काफी देर हो गई नहाते हुए ध्यातां ते वे अपने रंग हुंदे चाचा वेखदे फिर परली साइड दे नाल नाल खाद मारी हुंदा पिछों पिछों पानी लगता हों मतलब जिस क्यारे में खाद मार लै सन उस क्यारे पानी ला दे सन कि तड़े मैं इतने आ गया अग लानी पर अग लगती नहीं क्योंकि है सीनी जगह मेरे घर के नाल जितने भी बूटे वगैरह हैं मैं अग लाई है क्योंकि यार इलाका ही हो जाए मैं रोज सवेरे जिस टाइम उठदा वेखदा तो सप्पा दी है मोटी मोटी लकीर बनी हुई रात तेरे पाँव गंदे हो गए सारे देख आने का क्या फायदा आया तुझे और घर आया पक्खे तो सर्दी लगती पई है क्योंकि काफ़ी देर होते मैं नहा लिया बहुत मज़ा आया यकीन करो बहुत ठंडा यख पानी है बहुत मज़ा आया नहा के आया चंगी नींदर कुटी है हूँ उठा तकरीबन टाइम होया है सवा दो दा और नमाज पढ़ सा नमाज पढ़ के फिर रोटियां वगैरह लेनी और रोटियां वगैरह खा सू हूँ नहा के आया चंगी नींदर कुटी है हूँ उठा तकरीबन टाइम होया है सवा दो दा और नमाज पढ़ सा नमाज पढ़ के फिर रोटियां वगैरह लेनी और रोटियां वगैरह खा सू हूँ हजे ट्यूबवैल बंद कौन हो तकरीबन यह 10 बजे तो चली हुए तक चलती पई है वे तो आवाम नहाती पई है तो लुत्फ अंदोज हो रही है मैं सोच रहा मैं भी नहा लवा मज के मैं हजे फिलहाल रोटी लिया क्योंकि बच्चे मेरे सौंक उठते पेन तो सिर खासन अस जी रोटी दो रोटी क्योंकि मेरे बाल मेरा भुख बर्दाश्त नहीं करे थे Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the. I'm going to put the band on. बहुत गर्मी है मैं निके जी दरख्ती वे वे थले खलो गया आगे साइड तो रास्ता है उदो जुगाड़ लाना शायद लग वजे वे पे सामने बंदा आंदा पे परली साइड तो निकल चलता रोटी भी लवा ली आई बाहर गर्मी बड़ी है इंसानी जिस्म वास्ते बेहतरीन नींद जड़ी है ना वो 6 घंटे है 6 घंटे तो ज्यादा नहीं राती मैं 3 बजे सुता सवेरे नमाज वास्ते उठा उस तो बाद फिर हूँ दोपहर सुता 10-11 बजे 2 बजे उठा तो बस रूटीन चलती भी है लेकिन 6 घंटे नींदर हो गई पूरी हो के चाहिए हूँ फिर राती 2-3 बजे क्योंकि वीडियो एडिटिंग करनी वगैरह होंगी उस तो बाद थोड़ा जहा और कम होंगे यूट्यूब पर यार सौखे नहीं होंगे यूट्यूब पर बड़े औखे होंगे यकीन करो तुम इजली वीडियो देखते पे हो लेकिन इससे कम करना जरा ना बहुत मुश्किल काम है बंदा टाइम नाल ही जड़ा ना गंजा हो जाता अद्धा तो है भला मैं वेद पे और 2-3 महीने तक सारा पित्तल निकल हो सी बिल्कुल सोना टाइम थी गए 3:50 टूवल चलता पे ही वही बंद थी गए चुप थी गए तो हूँ जड़ा ना प्रोग्राम बने दे पे के ससुराल बनने बाल आते पे जरा चक्कर शक्कर लाऊं दूजी दी वारा गए कौन क्या करूँ वाल गोरमेंट की मननी पौंदी ना मनू तो वाल हालात खराब थी वेंदे बारू इतना ये परछावा जी आया खड़े मैं इतना ही खड़ा चलो ये शुक्र है कि वीडियो जड़ी है ना छां ते खड़ के बने ना पिया पर बगले जड़े न किड़े गए ओ गुम थे गए आज बगलिया दी है दावत क्योंकि आज लगे पानी तो इं वजह तो ना बड़े खुश खुश वदन क्योंकि दिखे ना भी कैमरे नाल इं ते नाल साफ नज़र नहीं आता पिया हूँ कोदा नज़र आता पे देखो ये देखो 1-2-3-4
अगेरे ते बहुत सारे बैठे हैं, हुण किथे गए हैं सारे? चार बगले चार नहीं पंजन पंजवा ई दरख्त दे पिछू है पिया, पता ही नहीं लगा। ते ये बहुत शरीफ जानवर हैं, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, यकीन करो। ठीक है सोना, इतना ही करें आज दी वीडियो दा एंड। उम्मीद है तुहाको साड़ी वीडियो पसंद आई हो सी। अगर तुहाको वीडियो पसंद आई है तो यार साड़ा चैनल सब्सक्राइब कर देसो, लाइक ही कर देसो, तो शेयर थी वे तो ही कर दे वैडी थी वे सी जो थी सी। अपना बड़ा सारा ख्याल रखा है, अपना ख्याल रखने, अपने नाल वाले लोगों का ख्याल रखने। हर वीडियो चाहता हाँ कि जो सड़ तो तले इन पे तले तो कोई नहीं आता, लेकिन माली हालात कुछ लोग होंगे तले, तो असा उन्होंने ख्याल रखने, असा ही रखने, तो अल्लाह तला तो रखें ही है, लेकिन साड़ा ही फर्ज है पिया। तो मिलसा एक तौकू थोड़े नाल नवी वीडियो के नाल, तो इतना ही करेंगे पे एंड। हूँ मजने जरा ससुराल सावरे, तो गवर्नमेंट का आर्डर आए कि उड़ा ही मंजने गवर्नमेंट की ना मनो तो थोक डसी करा तो काम खराब थी रहा है, तो ये वजह तू जड़ा ना मंजना पोसी मजबूरी है। तो बस वाल गोदा थके खड़े वीडियो बना बना के तो वाल डिठी वैसी वाल हूँ देखो डू त्रै डी वारा तक एक बई वीडियो थोड़े वास्ते गिन के आसा। उस टाइम तक सब कुछ इजाजत देव, अल्लाह हाफिज, अपना बड़ा सारा ख्याल रखो, बाय बाय।